ग्राम बड़दा और ग्राम अजंता के बीच जानलेवा सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं। यह सड़क लोक निर्माण विभाग मनावर के अंडर आती है। ग्राम बड़दा के किसान कवि राहुल तोमर ने बताया कि ग्राम अजंता बड़दा मार्ग इन दिनों दयनीय हालत में है। गड्ढे इतने गहरे हैं जैसे मानो की सुरंग बनी हुई है। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सड़क पर 8 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। प्रशासन कुंभ करनी नींद सो रहा है। कभी भी हादसा हो सकता है। लोक निर्माण विभाग मनावर धार जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस ओर ध्यान दे। लोक निर्माण विभाग मनावर SDO मनोज बाथम ने कहा कि शीघ्र ही समाधान होगा। गड्ढे भरे जाएंगे, रास्ता ठीक होगा। इस मार्ग पर आवागमन का साधन अधिक है और खास करके नर्मदा परिक्रमा वासी भी इसी मार्ग से और ग्रामीण किसान का रोज आना जाना लगा रहता है। आसपास के 50 ग्रामों की जनता इसी मार्ग पर निर्भर है। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं राहुल तोमर, ग्राम बड़ा बड़दा। गांव के एक समस्या है कि गांव का मुख्य मार्ग अजंता बड़दा के बीच में पुलिया में गड्ढा हो गया है। गड्ढा करीबन 8 से 9 फीट का है और ऐसे 3 गड्ढे हुए हैं और पुलिया के डैमेज होने के कारण ये गड्ढे हुए हैं। तो प्रशासन को हर साल अवगत कराया जाता है तो उसमें वो मिट्टी डाल देते हैं। कुछ समय बाद मिट्टी के धुलने के कारण या किसी अन्य कारण से वापस वो गड्ढे पुनः हो जाते हैं। इसका कोई स्थायी निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रशासन को पिछले साल भी अवगत कराया था, इस साल भी अवगत कराया है। अभी हालांकि आश्वासन मिला है कि 3 दिन में यह कार्य कर दिया जाएगा, परंतु मेरे हिसाब से इसमें कुछ दुर्घटनाएं हो चुकी है। एक लेडीज़ का हाथ टूट गया है, एक जवान छोरा गिर गया था। मुझे लगता है कि प्रशासन कुछ बड़ी घटना होने का रास्ता देख रहा है। आप सबसे निवेदन है कि इस आवाज़ को उठाएं और समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।